Good morning, students. Today we start our next chapter, chemical reactions and equations. Here we first see what chemical reaction. Now see, can you recall what are the types of molecules of elements and compounds? In last chapter you learned that the elements are divided into three classes, like metals, non-metals and metalloids. And how are the compounds formed? This also you learned. The compounds are formed when two or more elements combine chemically in a fixed proportion by weight, then compounds are formed. And the properties of the compound are altogether are different from those of the constituent elements. जब दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट्स फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, और जब कंपाउंड फॉर्म होते हैं वो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज टोटली कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से डिफरेंट होते हैं. ये तो हमने लास्ट लेसन में सीखा है. देन व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, दिस ऑल्सो सी इन लास्ट लेसन. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in the outermost shell of the atom, or the number of electrons present in the outermost shell of the outermost shell of an element, which gives away or takes or sharing the electrons with each other. This number of electrons known as valency of that elements, the valency of that element. Now next is what is the requirement for writing the molecular formula of different compounds, and how are the molecular formulae of the compounds written? While writing the molecular formula of different compounds, we need first compound the symbol of the radicals. जो element हमने use किया है उसका first हमें वो radicals का symbol मालूम होना चाहिए, जैसे कि H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, लाइक दैट. एंड देयर वैलेंसी, शुड बी शोन इन द केमिकल रिएक्शन. नाउ सी व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन. सम ऑफ द साइंटिस्ट ऑफ 18th एंड 19th सेंचुरी कैरिड आउट फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट्स ऑन केमिकल रिएक्शन. They proved from their experiments that during chemical reaction, composition of matter changes and that change remains permanent. On the contrary, during physical change, only the state of matter change, and this change is often temporary. In the 18th or 19th century, some scientists had some experiments, and by experiments they concluded that during the chemical reaction, the composition of matter changes and this change remains permanent. Like see, milk turn into curd. एक बार हम लोगों ने मिल्क का कर्ड बनाया तो कर्ड से फिर से मिल्क बनता है क्या? नो, मीन्स इट्स अ परमानेंट चेंज. एंड ऑल्सो द स्टेट ऑफ मैटर चेंज, एंड स्टेट ऑफ मैटर ऑल्सो चेंज. मिल्क इज लिक्विड बट कर्ड इज सम और सॉलिड, लाइक दैट. मीन्स उसका थोड़ा सा स्टेट चेंज तो होता है, कर्ड का स्टेट मिल्क से चेंज ही है, लाइक दैट. नाउ एंड चेंज इज ऑफन नाउ इन द फिजिकल चेंज ओनली द स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस. एंड दिस चेंज इज टेम्पररी. फॉर एग्जाम्पल सी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस टू वाटर. वाटर से आइस बनता है, फिर आइस से वाटर बनता है. दिस चेंज इज अ टेम्पररी. दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ द रिएक्शंस. नाउ सी हियर गिवन अ टेबल ऑन पेज नंबर 30. आइडेंटिफाई द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस फ्रॉम द फिनोमिना गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. सम फिनोमिनास आर गिवन हियर इन दैट टेबल एंड यू वॉन्ट टू आइडेंटिफाई विच आर द केमिकल फिजिकल चेंज एंड विच आर द chemical change. I think these changes are learned to you in the 7th standard.
इन द सेवन स्टैंडर्ड तुम लोगों ने सीखा है कौन सी रिएक्शन ए है, ए आइडेंटिफाई करना है, सेवन स्टैंडर्ड में तुम लोगों ने सीखा है। तो देखो फर्स्ट ऑफ दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर, दिस इज अ फिजिकल चेंज। कुकिंग ऑफ फूड केमिकल चेंज, एक बार फूड कुक किया तो बाद में फूड कुक होने के बाद हम लोग इसमें ओरिजिनल स्टेट में ला सकते क्या, नहीं, मीन्स इट्स अ केमिकल चेंज। राइपनिंग ऑफ फ्रूट ऑल्सो केमिकल चेंज। मिल्क टर्न इंटू अ कर्ड इज अ केमिकल चेंज। इवापोरेशन ऑफ वाटर, वाटर का इवापोरेशन होता है, उससे स्टीम बनती है, फिर से हम लोग क्या करते हैं और स्टीम कलेक्ट करके हम लोग क्या करते हैं उससे वाटर बना सकते हैं आफ्टर द कूलिंग ऑफ दैट वाटर वेपर, मीन्स दैट्स अ फिजिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक, इट्स अ केमिकल चेंज। स्टेनिंग ऑफ शाहबाद और कड़प्पा टाइल बाय लेमन जूस, इफ लेमन जूस इज फॉलिंग ऑन द कड़प्पा और द स्टेनिंग ऑन शाहबाद टाइल्स, देर इज अ व्हाइटनेस, देर इज अ व्हाइटनेस ऑन दैट टाइल, देन इट्स नॉट डिस्ट्रॉय, मीन्स इट अ केमिकल चेंज। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट एंड फॉलिंग फ्रॉम हाइट, एक बार ग्लास सब्जेक्ट टूटा तो हम फिर से वो पहले जैसे नहीं कर सकता है, मीन इससे केमिकल चेंज। मीन्स दिस आर द सेम फिनोमेना गिवन टू यू एंड यू वांट टू आइडेंटिफाई दिस एंड कंप्लीट दिस टेबल, ओके। नाउ सी हियर गिवन वन एक्टिविटी, यू वांट टू ट्राई दिस, ये तुम्हें एक्टिविटीज ग्रुप में करना है और व्हाट चेंजेस आर happens in that activity, you want to observe this and note down in that table given on the page number 31. See here, given the apparatus, thermometer, evaporating dish, tripod stand, funnel, Bunsen burner, etc. Bunsen burner means burner. Chemicals, which chemicals want to use here? Limestone powder, copper sulfate, calcium chloride, पोटेशियम क्रोमेट, जिंक डस्ट, सोडियम कार्बोनेट, थैलिक एंड्राइड एटसेट्रा, दिस कंपाउंड्स यू वांट टू यूज। एंड द प्रोसीजर, व्हाट इज द प्रोसीजर, कैरी आउट द एक्टिविटीज 1-5 एज गिवन बिलो, रीड एंड रिकॉर्ड द टेम्परेचर इन द एक्टिविटीज 2-4। क्या करना है, ये एक्टिविटीज तुम्हें कैरी करना है और वो एक्टिविटीज कैरी करने के बाद एक एक क्या करना है, एक एक केमिकल यूज करके उस पर क्या इफेक्ट होता है, उसका कलर चेंज होता है क्या, उसमें वो हीट करने के बाद गैस रिलीज होता है क्या, टेम्परेचर में चेंज होता है क्या, और अगर उसमें केमिकल या फिजिकल चेंज होता है तो उसका नेचर क्या है, इट्स अ परमानेंट और टेम्पररी, ये सब तुम्हें ये ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या करना है, लिखना है, नोट डाउन करना है। देखो फर्स्ट वन दिया है तुम्हें, टेक अ स्पूनफुल ऑफ लाइमस्टोन पाउडर, ईट एंड इवापोरेटिंग इन एंड इवापोरेटिंग डिश, हीट इट स्ट्रांगली ऑन अ हाई ब्लू फ्लेम। लाइमस्टोन पाउडर मीन्स चूना जो यूज करते हैं ना उसका पाउडर लेना है, वो खड़ा चूना रहता है उसकी पाउडर लेना है और उसको हीट करना है। सेकेंड, एड अ जिंक डस्ट ऑन अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है और उस सॉल्यूशन पे जिंक डस्ट पाउडर ऐड करना है और उसमें क्या चेंजेस होते हैं उसको हीट करने के बाद वो देखना है। थर्ड वन, पोटेशियम क्रोमेट लेना है, K2Cr2O4 7, पोटेशियम क्रोमेट का सॉल्यूशन, पोटेशियम क्रोमेट लेना है और उस क्या करना है, इसमें बेरियम सल्फेट का सॉल्यूशन डालना है और उसे हीट करना है तो क्या होता है देखो। एड सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोल्यूशन टू कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड में Na2CO3 का सोल्यूशन डालकर क्या करना है उस हीट करने के बाद उसमें कौन से चेंजेस होते हैं ये ऑब्जर्व करके वो ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखने है, ओके। ये ऑब्जर्वेशन टेबल होने के बाद क्या होता है देखो, ये तुम्हें सब नोट डाउन करना है और तुम्हें फाइंड आउट करना है, ऑब्जर्व एंड कीप रिकॉर्ड ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस दैट यू एक्सपीरियंस इन अवर डेली लाइफ। अब लोग
in our daily life we see many changes, chemical changes and also the physical changes. You observe this and note down these changes, record these changes. Physical changes takes place due to the change in parameters such as temperature, pressure. Often a physical change in irreversible, the composition of matter remains the same in physical change. For example, ice is transformed into water on heating, and the water is transformed into ice on cooling. On the contrary, if the composition of matter changes during a process, then it is called the chemical change. A physical change होता है because of the temperature or pressure, because of the temperature or the pressure. It is a reversible change. It is a reversible change. For example, ice transferred into water, and also on heating, ice is transferred into water, and on cooling, also water transferred into ice. This is a reversible change. And if the composition of matter changes during the process, अगर इस process में composition change होता है तो क्या होता है, वो chemical change होता है. And in a particular process phenomenon as a chemical change, some chemical reactions are take place. हमने भी देखा तो कुछ कोई कोई phenomenon में complete चेंज होता है, जैसे कि दूध से दही बनता है, उसमें फिनोमिना कम्प्लीटली चेंज होता है, तो फिनोमिना ऑफ द मैटर कम्प्लीटली चेंज देयर, एंड दिस इज अ केमिकल रिएक्शन. नाउ व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन? यू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच सम सब्सटेंसेस अंडरगो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड आर ट्रांसपोर्ट इन टू न्यू सब्सटेंसेस बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स. What is the chemical reaction? During a chemical reaction, it is a process. Chemical reaction is a process in which some substances undergoes breaking a bond and formation of new substances by formation of new bond. They form new substances by forming new bonds. Means what? In simple, see that during a chemical reaction of the matter changes, and that change remains permanent. And in a chemical reaction, matter changes completely into the and this change is a permanent. This change remains permanent. Now see, the substances taking part in a chemical reaction are called reactants. The substances taking part in the chemical reactions called reactants, whereas the substances formed as a result of the chemical reaction are called the product. The substances formed as a result of the chemical reaction, and this new form substances are called the product. For example, see, carbon dioxide gas by combustion of coal in air is a chemical reaction. And in this reaction, coal means carbon and oxygen from air are the reactants, while carbon dioxide is the product. Here one example is given, that carbon dioxide gas by combustion of coal in air is a chemical reaction. Coal sa havet jala means what? Hum logon ne coal have air mein jalaya, to kya hota hai? It's in air chemical, their chemical reaction takes place. Coal जब हम लोग air में जलाते हैं तो क्या होता है, वो carbon dioxide gas combustion of the coal by the carbon dioxide gas combustion of the coal takes place, and there is a chemical reaction, and also oxygen gas from air helps to combustion of the coal. And here the carbon means coal and the oxygen are the reactants, while and after that when the carbon dioxide is formed, the means C plus O2 is equal to CO2, carbon dioxide, means this carbon dioxide is a product. जब हम लोग coal
हवा में मीन्स ओपन एयर में जब जलाते हैं तो उसमें केमिकल रिएक्शन होती है, और केमिकल रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर हेल्प्स आल्सो फॉर द कंबशन ऑफ द कोल एंड द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स द CO2 गैस मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस. हियर रिएक्टेंट्स आर कोल मीन्स कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड. प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड. ओके नाउ व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन. व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन. द केमिकल इक्वेशन मीन्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन अ कंडेंस फॉर्म यूजिंग अ केमिकल फॉर्मूला इज कॉल्ड द केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन मीन्स व्हाट. द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन अ कंडेंस फॉर्म यूजिंग अ केमिकल फॉर्मूला मीन्स व्हाट. हम लोग जो अभी केमिकल रिएक्शन हो गई है वो केमिकल रिएक्शन हम शॉर्ट फॉर्म में वो सिंबल्स यूज करके वो केमिकल रिएक्शन इंडिकेट करते हैं, उससे क्या बोलते हैं केमिकल इक्वेशन. क्या बोलते हैं केमिकल इक्वेशन. हियर गिवन वन एग्जांपल सी एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस जिंक डस्ट इज इक्वल टू एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. ये तो लॉन्ग फॉर्म में दिया है, बट हम लोग एक कंडेंस फॉर्म में लिखते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं बाय यूजिंग द सिंबल्स लाइक दैट. सी CuSO4 प्लस Zn. CuSO4 मीन्स कॉपर सल्फेट सोल्यूशन प्लस Zn मीन्स जिंक इज गिव्स आउट इज इक्वल टू ZnSO4 मीन्स जिंक सल्फेट प्लस Cu कॉपर. इन दिस वे वी राइट द केमिकल रिएक्शन इन द कंडेंस फॉर्म. दिस इज नोन एज द केमिकल इक्वेशन. दिस इज नोन एज द केमिकल इक्वेशन. Now what is the importance of the chemical reaction. Reactants are converted into products. In chemical reaction what happen, reactants are converted into products. Mass is also conserved. Mass of the reactants are also conserved in the chemical reaction. Atoms are conserved. Atoms of the elements also conserved in the chemical reaction. The properties and compositions of the products of chemical reaction are different from those of the reactants. जो compositions form होते हैं उस composition की properties are totally different from the products composition of the जो products form chemical reaction में जो products form होते हैं वो products के properties are totally different from the reactants which take part in the chemical reaction. Generally energy is either absorbed or evolved. In chemical reaction में क्या होता है, कभी कभी energy absorb होती है तो कभी कभी energy evolve होती है. These are the importance of the chemical reaction. Okay, what we see up to now, see what are the types of molecules of the elements and compounds. ये तो हमने लास्ट लेसन में सीखा है. What is the valency of the elements, ये भी हमने लास्ट लेसन में सीखा है. And what is the requirement for writing the molecular formula of the different compounds, ये तो मैंने अभी तुम लोगों को बताया है. Now what is the chemical reaction, what is the chemical equation or importance of the chemical reaction. Now I give you homework. Here we stop our topic and now you take homework. First question, what are the types of molecules of elements and compounds? What are the types of molecules of elements and compounds? Second, what is the chemical reaction? What is the chemical reaction? Third, what is the chemical equation?
What is the chemical equation? Fourth, write down the importance of chemical reaction. ये फोर क्वेश्चन है, ये तुम्हें कंप्लीट करने एज अ होमवर्क. 10 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, नो मोर स्टूडेंट्स डूइंग होमवर्क. आई टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, बट यू नॉट डूइंग होमवर्क, इट्स नॉट गुड. यू वांट टू डू योर होमवर्क एंड यू वांट टू मेंटेन योर नोटबुक ऑल्सो. यू फेयर होमवर्क मेंटेन करना है. अभी दो लेसन हो गए, शायद एक दो लोग स्टूडेंट्स से ही होमवर्क मुझे भेजा है, बाकी के स्टूडेंट्स कोई भी होमवर्क नहीं करता है. मुझे वो दो लेसन के एक्सरसाइज कंप्लीट चाहिए. अगर तुम लोग होमवर्क नहीं करोगे तो तुम्हारी कंप्लेंट हो जाएगी. मैंने बार बार बताया फिर भी तुम लोग सुनते नहीं हो. देखो अभी आज का होमवर्क करना है और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करो. और वो टेबल भी तुम्हें कंप्लीट करना है, पेज नंबर 30 पे जो दिया है, आइडेंटिफाई फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ये भी तुम्हें कंप्लीट करना है. ओके, स्टॉप हियर. थैंक यू.